ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने बाबा मिलन नहीं किया, नहीं मनाया, क्या मैं सतयुग में आ सकूंगा? हमने ज्ञान तो बाबा के वीडियो से भी सुना, साकार बाबा का भी वीडियो सुना, मुरलियां भी सारी पढ़ी, क्या हम सतयुग में आ सकेंगे? सतयुग में आ सकेंगे, सतयुगी पुरुषार्थ करने पर, सुनने पर नहीं। बाबा मिलन मनाया या नहीं मनाया इससे नहीं, आप सतयुगी अकर्म का अकाउंट बनाएंगे तो सतयुग में आएंगे। अकर्म का अकाउंट माना आत्मा समझकर सर्व आत्माओं से व्यवहार में आना, खुद को आत्मा समझना, आत्मा समझकर सर्व आत्माओं के साथ व्यवहार में आना। आत्मा समझने के बाद हम ये फर्क नहीं रख सकते कि यह आत्मा मेरी है, ये मेरी नहीं है, ये अच्छी है, ये खराब है, नहीं हो सकता। वहां फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आत्म स्मृति माना सब आत्माएं परमात्म संतान बराबर है। किसी भी आत्मा के पास खातरी करना, पार्शियलिटी करना नहीं हो सकता। हो रहा है तो अभी स्वयं को आत्मा नहीं निर्णय किया गया, निश्चय किया है, सबको आत्मा नहीं समझ रहे हैं। देह दिखाई दे रही है तो हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं, देह का संबंध याद है तो हम आत्मा निश्चय नहीं किया है, परमात्म डायरेक्शन पर चल रहे हैं, आत्मा समझकर परमात्म डायरेक्शन पर कर्म कर रहे हैं, तो अकर्म का खाता बन रहा है। अकर्म का खाता सतो प्रधान अवस्था में है तो सतयुग के आदि में आएंगे, सतो है तो त्रेता के आदि में आएंगे, और कम है तो लेट आएंगे। रजो है तो द्वापर में आएंगे, और बॉडी कॉन्शियस में आपका कर्म का खाता होगा तो आप द्वापर में आएंगे, या कलयुग में। सोल कॉन्शियस कर्म का अकाउंट होगा तो सतयुग त्रेता में। सारा दिन चेक करें कि हमने सारा दिन आत्मिक स्थिति में परमात्म डायरेक्शन में कितना कितना समय कर्म किया, वो अकर्म का खाता जमा हो। और जो देह समझकर कर्म किया वो विकर्म का खाता शुरू, वो हमने द्वापर कलयुग का हिसाब किताब बनाया और वो हमने सतयुग का हिसाब किताब। सतयुग के अकर्म के खाते के आधार पर आप सतयुग में आएंगे। के और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम।